30,000 रुपये इनका डूब चुका है। और मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलता रहता हूँ, भाई आप लोग जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें। जल्दीबाजी के काम यही होता है कि जो आप लोग का पैसा डूब जाता है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे अभी एक आदमी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, हाय सर मेरा ऑफर लेटर चेक कर दीजिए, 30,000 रुपया मैं दे चुका हूँ, प्लीज़ सर आपने 30,000 रुपया दिया क्यों भाई। मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बताता हूँ, भाई आप लोग जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें। आजकल सबसे ज़्यादा ये लोग फ्रॉड के काम कर रहे हैं, जॉब के नाम पर खास करके सबसे ज़्यादा फेंक काम हो रहा है। तो दोस्त आप लोग को मैं दिखाऊँ ये ऑफर लेटर, आप लोग देख सकते हैं ये ऑफर लेटर बनाया गया है KIPIC कंपनी करके एक, सही है, और इनका सेटरिंग कारपेंटर का मतलब ऑफर लेटर निकाला गया है और इनको सैलरी दिया गया है, लग रहा है कि कोई फोरमैन और सुपरवाइजर का सैलरी दिया गया है, 210 KD प्लस 80 KD। आपको समझ में आ गया होगा कि 210 KD क्या कोई सेटरिंग कारपेंटर का कोई कंपनी दे सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ऐसे ही दिखाई देता होगा ये सारे ऑफर लेटर जो दुल्हन के जैसा सजा करके बता दिया, यहाँ पे दिया भाई को लगा होगा भाई मैं तब जाऊँगा तो 60,000-70,000 रुपये पर मंथ में मैं कमा लूँगा। भाई ये जल्दीबाजी में आप लोग काम न करें, क्योंकि आपको फिर ये 30,000 रुपये मिलने वाला नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। और मैंने इसको बोला सबसे पहले, भाई पैसा दिया क्यों तुम, है ना सर, वीज़ा देने के लिए, मतलब वो बोला होगा कि आप पैसा जमा करो तो फिर आपको मैं वीज़ा का प्रोसेस आगे दूंगा। ये बता रहा है भाई कि सर मैंने 10,000 रुपया मेडिकल के लिए और 20,000 रुपया ऑफिस में मैंने दिया है, ठीक है ना। यानी 10,000 रुपया कौन सा मेडिकल होता है मेरे भाई के 10,000 रुपया लगता है। आजकल गमका का भी मेडिकल होता है तो 5-7 हज़ार के अंदर ही अंदर सब हो जाता है, 7,000 भी नहीं लगता है। तो 10,000 रुपया किस चीज़ का मेडिकल का, भाई आप लोगों को नॉलेज की कमी है थोड़ा सा। मैं ये वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि भाई आप लोग ऐसे संभल जाए, सतर्क हो जाए कि भाई आप लोगों के साथ में भी ऐसा ना हो। जल्दीबाजी में आप लोगों को काम नहीं करना है। और सबसे पहले आप लोगों को कोई भी आदमी ऑफर लेटर अगर देता है आपको, तो सबसे पहले उसको अच्छे से वेरीफिकेशन करो। अगर वेरीफिकेशन करने नहीं आता है तो किसी दूसरे आदमी से पूछो, पता करो भाई ये कंपनी कैसी है, कंपनी का रियल वेबसाइट क्या है। आजकल वेबसाइट भी बना करके आप लोगों के साथ में फ्रॉड का काम हो रहा है। तो भाई जल्दीबाजी में कोई काम करेंगे आप लोग तो जो पैसा पॉकेट में है वो भी चला जाएगा और किसी से लेकर भी खाना पड़ेगा। तो आज मैं क्या बताऊं यार, सच में बता रहा हूं, मेरा दिमाग जो है ना खराब हो चुका है। इस वीडियो में मैंने यही मैं बताने की कोशिश किया कि भाई आप लोग प्लीज, आप लोग के लिए फायदे के लिए मैं बता रहा हूं, और इससे कोई मुझे लेना देना नहीं है कि कोई भी आदमी मेरे पास ऑफर लेटर भेजता है तो मैं चेक करके बस बता देता हूँ, और कुछ लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि एक गरीब आदमी का 2 रुपया है 3 रुपया के लिए आजकल लोग कहाँ कहाँ काम खोज रहे हैं, नहीं मिलता है। एक दिन दिहाड़ी लगाने के लिए 400-500 रुपये कमाने के लिए कहीं काम नहीं मिल रहा है। अगर किसी आदमी को जॉब के लालच पे कोई 30,000-20,000 रुपया ऐसे खा जाए तो बहुत मतलब गलत बात है। जो लोग ये ले रहे हैं पैसा, उन लोगों का तो क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने, भगवान बेहतर जाने, लेकिन ये गलत है दोस्त। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऑफर लेटर अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले अच्छे से वेरिफिकेशन करो। जल्दीबाजी में ऑफर लेटर पे देख करके, सैलरी दे करके आपको पैसा नहीं देना है, नहीं तो फिर पैसा डूब जाएगा। दूसरी बात कि वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पैसा देना है, वो भी कम देना है, मेडिकल कराना है, वीजा आने के बाद पूरा प्रोसेस का जो काम होगा देना है आपको। ये नहीं कि ऑफर लेटर दे दिया तो समझ जाओ कि वीजा मिल गया, ऑफर लेटर आ जाए सही है, ऑफर लेटर चेक कर लो अच्छे से, कंपनी का वेरिफिकेशन कर लो, हाँ अगर सही है ऑफर लेटर तो पूरा पैसा नहीं देना है, 5,000 दे दिया चलेगा, मुश्किल नहीं। अगर ऑफर लेटर सही है तब, अगर आपने अच्छे से वेरिफिकेशन करने के बाद वो भी 5,000 रुपये देना है, और उसके बाद वीजा जब आ जाएगा, वीजा को अच्छे से चेक कर लेने के बाद कि वीजा जब आपको ऑनलाइन शो करने लगे, आपके नाम आपके पासपोर्ट नंबर शो करने लगे, उसके बाद आप पैसा दे सकते हो और फ्लाइट करा के जा सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कोई भी एक कागज दे दे, कागज के नाम पे आपसे कोई पैसा ले ले 30,000-40,000 रुपया और आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो भाई जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करो कि लोगों को समझ में आए। ऐसे बहुत साधे सीधे भोले भाले लोग हैं जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं। जो लोग तेज, थोड़ा सा भी तेज है, उन लोग तो नहीं फंसते हैं, लेकिन जो लोग एकदम भोले हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कुछ, वो लोग तो बिल्कुल फंस जाते हैं। और यही इन लोगों का टारगेट है कि जो गरीब आदमी है, जो भोला आदमी है, जो अनपढ़ है, जो उनको मालूम नहीं है, उन्हीं लोगों को फंसाया जाए, उन्हीं लोगों से पैसा लिया जाए, वो किसी से बोलेगा भी नहीं। चाहिए दोस्त, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो कि लोगों को पैसा बचे भाई। थैंक यू।